नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेज अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक फलित सूत्र के बारे में। जन्म कुंडली में जब हम कोई ग्रह देखते हैं कि एक ग्रह जो है वो नीच का बैठा है, तो हम ये मान लेते हैं कि नीच का ग्रह जो है वो अशुभ फल देता है। पर मित्रों, ये देख कर ऐसा मान लेना उचित नहीं है। यानी नीच का ग्रह है तो अशुभ परिणाम देगा, ऐसा तय नहीं होता है। मित्रों, ग्रह की नीचता किसी न किसी तरह से भंग होती है और वह राजयोग देने योग्य बन जाता है। ऐसा मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। मित्रों, जन्म कुंडली में शनि ग्रह चाहे किसी भी भाव में बैठे हैं, जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है वहां पर विराजमान हो जाए तो शनि ग्रह अपनी नीच राशि में होते हैं। यानी मेष राशि जो है वो शनि की नीच राशि होती है और तुला राशि में शनि होते हैं तब शनि उच्च के होते हैं। अब मित्रों, आपने देखा कि शनि जो है जन्म कुंडली में नीच के हैं और आपने मान लिया कि शनि जो है वो अशुभ फल देंगे। अब आपको इसके बाद ये भी देखना चाहिए, कई ऐसे कारण होते हैं जिससे शनि का नीच भंग हो जाता है और वो एक राजयोग बनाने वाला ग्रह बन जाता है। तो एक फलित सूत्र में आपको ये देखना है कि शनि का नक्षत्र कौन सा है। कभी कभी जन्म कुंडली में शनि जो है वो नीच राशि का होता है, पर आप अगर नवमांश कुंडली देखते हैं तो नवमांश में शनि उच्च का होता है। ऐसी कंडीशन में दशा महादशा जब आती है शनि की, तो शनि की दशा महादशा जब जाती है, जाते समय शनि जो है ऐसा परिणाम ऐसा फल देके जाता है जो व्यक्ति को आजीवन रोजगार मिल जाता है या व्यक्ति की जिंदगी जो है उसकी लाइफ जो है वो सेट हो जाती है। तो हर बार ऐसा नहीं मानना है कि ग्रह अगर नीच का है तो अशुभ परिणाम ही देगा। अगर शनि का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, शनि मेष राशि में है और शनि का नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र है और तीसरे चरण में है, तो आप नवमांश कुंडली देखेंगे तो नवमांश कुंडली में शनि जो है वो उच्च के हो जाते हैं। यानी नवमांश कुंडली में शनि जो है वो तुला राशि जहां पर सात नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे होंगे। तो ऐसे में शनि जो है नवमांश में उच्च के हो जाते हैं। यानी लग्न कुंडली में तो नीच के है पर नवमांश में उच्च के होने के कारण जब शनि की दशा महादशा खत्म होने वाली होती है तो व्यक्ति को ऐसा शुभ परिणाम देखने को मिलता है कि उसकी लाइफ जो है वो सेट हो जाती है। तो मित्रों, ये एक फलित सूत्र था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।